एक सेठ अपने नगर का सबसे धनी और धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। सेठ के पास अधिक धन संपत्ति थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत ही सुखपूर्ण अपना जीवन अपने परिवार के साथ जी रहा था। सेठ और उसकी पत्नी शुरू से ही असहाय लोगों की मदद करते थे, उन्हें एक समय का भोजन कराया करते थे, जिसके कारण उन्हें बहुत ही ज्यादा सुख की अनुभूति होती थी। वही वो दोनों साधु महात्माओं को बहुत मानते थे, उन पर उनका बड़ा विश्वास था। उनके नगर में जब भी कोई साधु महात्मा आते, वो उनसे मिलने, उनके उपदेशों को सुनने जरूर जाया करते थे और उन्हें स्वयं के घर ले आकर उनका आदर सत्कार भी किया करते थे। यदि सेठ के घर के पास से कोई भिक्षु जाता तो वो उसे भी अपने घर आने का आग्रह करते। इसी तरह बार बार एक सन्यासी उनके घर पर भिक्षाटन करने आ जाता है और अपनी भिक्षा पात्र आगे करके भिक्षा मांगता है। सेठ सन्यासी को देख उसे अपने घर आने के लिए आग्रह करते हैं। सन्यासी भीतर जाता है, सेठ और उसकी पत्नी उनकी आओ भगत में लग जाते हैं। वो दोनों तुरंत उसके बैठने के लिए एक तखत पर चादर बिछा देते हैं और सन्यासी के हाथ पैर धुलवाकर उसे कुछ विश्राम हेतु कहते हैं और स्वयं उसके भोजन की तैयारी में लग जाते हैं। तभी सेठ की पत्नी कुछ सामान लेने के लिए कहती है। सेठ बाहर चला जाता है, यहां उसकी पत्नी भोजन बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद जब सेठ की पत्नी आकर सन्यासी को भोजन परोसने लगती है, सन्यासी भोजन ग्रहण करने लगता है। सन्यासी सेठ के घर के शांत वातावरण और उसके घर का स्नेह देखकर उसकी पत्नी से बड़ी ही विनम्रता से पूछता है कि माता, आपके परिवार में कौन कौन है? ये सुन सेठ की पत्नी कहती है, मैं, मेरे पति और मेरे तीन बेटे। ये सुन सन्यासी आगे कहता है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, कितना कमा लेते हैं? ये सुन सेठ की पत्नी कहती है कि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं, हमारे पास तो अपार धन संपत्ति है। ये सुन सन्यासी आगे कोई प्रश्न नहीं करता। तभी सेठ घर वापस आ जाता है। वो फिर पत्नी के साथ सन्यासी को भोजन परोसने लगता है। वो सन्यासी के लिए बाहर से कई तरह की मिठाई भी लेकर आता है। भोजन ग्रहण करने के बाद सन्यासी जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो सेठ और उसकी पत्नी की स्वयं के इस आदर सत्कार के लिए आभार प्रकट करता है और जाने के लिए वो निकलते हैं। सेठ सन्यासी से कहता है कि वो उसे कुछ दूरी तक छोड़ देगा। दोनों मार्ग के लिए निकल जाते हैं। मार्ग में सेठ सन्यासी से बात करते हुए जा रहा था, तभी सन्यासी सेठ से कहता है कि आपका जो तीन पुत्र है, तीनों ही आपकी देखभाल अच्छे से करते होंगे। ये सुन सेठ कहता है कि नहीं मुनिवर, मेरी केवल एक ही संतान है। ये सुन सन्यासी सोचने लग जाते हैं कि ये कह क्या रहा है, सेठ की पत्नी ने कुछ कहा था, सेठ कुछ और कह रहा है। फिर सन्यासी सेठ से कहता है कि आपके पास तो धन इतना है, आप इतने धनी हैं, सुख से होंगे। सन्यासी जानकर सेठ का उत्तर जानने के लिए ये बात करता है। तभी सेठ उत्तर देता है कि नहीं, मैं कोई धनी नहीं हूँ, मैं तो केवल 20,000 रुपए का ही मालिक हूँ। ये सुन सन्यासी को अब लगता है कि शायद सेठ या फिर उसकी पत्नी कोई एक तो उससे झूठ कह रहा है। फिर सन्यासी सेठ से पूछता है कि आपकी आयु क्या है? सेठ कहता है कि मैं 50 वर्ष का हूँ। यह सुन सन्यासी को लगता है ये तो सेठ एक वृद्ध है, इसकी आयु तो 70 से कम नहीं लगता है, लेकिन ये हर बार गलत उत्तर क्यों दे रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? यही सोच सन्यासी अब सेठ से कहता है कि आप इतने धार्मिक होकर भी झूठ बोलते हैं, असत्य का सहारा लेते हैं, आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं? ये सुन सेठ हैरानी से कहता है कि क्षमा करें मुनिवर, लेकिन मैंने आपसे क्या झूठ बोला है? मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये सुन सन्यासी कहता है कि जो कुछ भी मैंने आपसे पूछा, वही प्रश्न मैंने आपकी पत्नी से भी किए, लेकिन दोनों के उत्तर अलग है। ये सुन सेठ कहता है कि कैसा प्रश्न मुनिवर? तब सन्यासी कहता है, मैंने आपकी पत्नी से पूछा था कि उनके घर में कौन कौन है, तो उन्होंने कहा कि आप दोनों के अलावा आपके तीन पुत्र हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आपकी केवल एक ही संतान है। जब मैंने आपसे धन के बारे में पूछा कि कितना है, तो आपकी पत्नी ने बताया कि आपके पास बहुत धन है, आप इस नगर के सबसे धनी लोगों में से एक हैं, और आप कहते हैं कि आप बस 20,000 रुपए के ही मालिक हैं। अभी मैं जब आपकी आयु पूछी
तो आप 50 वर्ष बता रहे हैं, जबकि देखने में आप 70 से अधिक के लगते हैं। यानी आपने झूठ कहा। ये सुन सेठ बड़े ही विनम्र स्वर में कहता है कि क्षमा करें मुनिवर, लेकिन झूठ बोलना पाप है। तो भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, और वो भी आप जैसे महात्मा से जिन्हें मैं इतना मानता हूं। ना तो मैंने कोई आपसे झूठ कहा, ना मेरी पत्नी ने, हमने तो बस सत्य बताया है। ये सुन सन्यासी कहता है कि लेकिन आप दोनों के सत्य अलग अलग क्यों हैं? ये सुन सेठ कहता है कि ये सत्य है कि मेरे 3 पुत्र हैं। आपके 3 पुत्र हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आपकी केवल 1 ही संतान है। जब मैंने आपसे धन के बारे में पूछा कि कितना है, तो आपकी पत्नी ने बताया कि आपके पास बहुत धन है, आप इस नगर के सबसे धनी लोगों में से 1 हैं, और आप कहते हैं कि आप बस 20,000 रुपए के ही मालिक हैं। अभी मैं जब आपकी आयु पूछी तो आप 50 वर्ष बता रहे हैं, जबकि देखने में आप 70 से अधिक के लगते हैं। यानी आपने झूठ कहा। ये सुन सेठ बड़े ही विनम्र स्वर में कहता है कि क्षमा करें मुनिवर, लेकिन झूठ बोलना पाप है। तो भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, और वो भी आप जैसे महात्मा से जिन्हें मैं इतना मानता हूं। ना तो मैंने कोई आपसे झूठ कहा, ना मेरी पत्नी ने, हमने तो बस सत्य बताया है। ये सुन सन्यासी कहता है कि लेकिन आप दोनों के सत्य अलग अलग क्यों हैं? ये सुन सेठ कहता है कि ये सत्य है कि मेरे 3 पुत्र हैं, लेकिन जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वो केवल मेरा 1 ही पुत्र है। बाकी दोनों को अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं है। जो कुसंग में रहता है वो मेरा अपना कैसे, इसलिए मेरे लिए मेरी 1 ही संतान है। आपकी दूसरे प्रश्न के अनुसार रही धन की बात, तो मुनिवर मेरे लिए मेरा वही धन अपना है जो मैं स्वयं के जीवन में उपयोग करता हूं, और वो इतना ही है जितना मैंने बताया। बाकी सब जो है वो मेरा नहीं है। उसमें से कुछ मैं असहाय लोगों की, जरूरतमंदों की मैं मदद कर देता हूं, तो कुछ मेरी इस देह को त्यागने के बाद मेरे सभी सगी संबंधी ले जाएंगे, तो उस पर मेरा कैसा अधिकार। अब बात करें अंतिम प्रश्न की, तो मैं अपने 50 वर्षों की आयु तक महात्माओं की शरण में जाकर शिक्षा लेना, जीवन के सही मूल्य को समझना सीखा है, उनकी सेवा की है, और उस पर ही मैं इस संघ से जुड़ गया हूं। यही कारण है कि मैंने आपको अपनी आयु ये बताई है। अब आप ही बताएं, क्या इसमें मैंने कुछ झूठ कहा? ये सुन सन्यासी को अब सेठ की पूरी बात समझ आ जाती है, और वो कहते हैं कि क्षमा करें मुझे, पहले आपके विषय में जान लेना चाहिए था, स्वयं के भीतर आपकी झूठी छवि बनाने से पहले। और तब सन्यासी सेठ की बात का मान रखते हुए आगे बढ़ जाता है, और सेठ पुनः अपने घर लौट जाता है। अतः किसी के प्रति अपना नजरिया बनाने से पहले, प्रतिक्रिया देने से पहले, सामने वाले की बातों को भी पूरा सुन लेना चाहिए। एक बार व्यक्ति किसी महात्मा के आश्रम में बैठ उनके उपदेशों को सुन रहा था, तभी वो महात्मा से कहता है कि मुनिवर, आप सभी संत महात्मा हमें चिंता से जुड़े कई उपदेश देते हैं, क्या आप हमें कोई ऐसा हथियार नहीं बता सकते जिसके द्वारा हम चिंता को स्वयं के जीवन से निकाल कर फेंक ही दें? चिंता में ऐसा क्या है जो व्यक्ति को बर्बाद कर देती है? क्योंकि एक तनाव रस व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि सब कुछ वो गवा देता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? उस व्यक्ति की बात सुन महात्मा कहते हैं कि चिंता एक ऐसी मानसिक समस्या है जो यदि व्यक्ति को पकड़ ले तो उसे डुबो देती है। उसे केवल स्वयं से मुक्त कर ही आप सुखी रह सकते हैं, और ये तब होता है जब आप स्वयं को मजबूत कर लें। आपको केवल बस ये समझना है कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें उस समय तनाव में नहीं आना है, घबराना नहीं है, बल्कि स्वयं को भीतर से मजबूत रखना है। यदि आपने अपने भीतर हौसला रखा है तो कोई चिंता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुन व्यक्ति कहता है कि किंतु ऐसा होता है क्यों? क्यों एक छोटी सी चिंता भी हमारे मुख की हंसी को छीन लेती है? ये सुन महात्मा कहते हैं कि आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से एकाग्र होकर सुनना। एक बार पिता ने अपने पुत्र को काफी परेशान और निराश देखा। वो प्रतिदिन उसे यूं देखते, वो उसे देख समझ गए थे कि कोई बात अवश्य है जो उसके पुत्र को भीतर से परेशान किए हुए हैं। पिता ने कई बार पुत्र से ये पूछना चाहा कि वो किस चिंता में है,
लेकिन पुत्र हर बार ये दिखाता कि कुछ नहीं हुआ और वो वहां से चला जाता। पुत्र के इस व्यवहार से पिता को ये विश्वास हो गया था कि अवश्य कोई बात है, चिंता है जो उसे भीतर से खाई जा रही है, लेकिन वो बता नहीं रहा है। तब पिता ने एक दिन पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहा कि जीवन में हम कितनी भी सफलता क्यों ना पा ले, लेकिन यदि हमारे भीतर चिंता या तनाव ने घर कर लिया तो ये हमारे उन्नति के बीच एक वादा बनकर आ जाती है। चिंता व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती, उसके भीतर कई सारी नकारात्मकता को भर देती है। चिंता बहुत ही भयानक होती है, ये सुखी समृद्ध घर को भी तबाह कर देती है। ये सब सून पुत्र कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं? पिताजी मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तब पिता पुत्र को लेकर एक जंगल की तरफ चले जाते हैं और वहां पहुंच पुत्र से कहते हैं कि ये पेड़ जो तुम देख रहे हो ये कई वर्ष पुराना है, ये मेरे पिता के पिता के पिता यानी कि 3 पीढ़ी से भी ज्यादा पुराना पेड़ है और आज भी बाहर से उतना ही मजबूत है जितना पहले था, चाहे कितनी भी आंधी तूफान वर्षा क्यों ना आ जाए, इस वृक्ष को हिला तक नहीं पाई है। यही नहीं, इस पर न जाने आज तक कितने पेड़ भी टूट कर गिर गए हैं, बिजली गिर गई है, लेकिन ये पेड़ फिर भी नहीं गिरा, वहीं पर खड़ा है पूरी मजबूती के साथ। ये सब सुन पुत्र पिता से कहता है कि लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? तब पिता आगे उससे कहते हैं कि यहां मेरे साथ पीछे की तरफ आओ, कुछ दिखाता हूं। ये सुन पुत्र पिता के साथ उस पेड़ के पीछे जाता है और कहता है कि ये पेड़ के पीछे दिमक देख रहे हो? पुत्र कहता है कि हां। पिता कहते हैं कि इसी दिमक ने भीतर से इसकी छालों को पूरी तरह कुतर दिया है और बाहर की तरफ पूरी तरह यह खराब हो गया है। यह सब सुन पुत्र अब की बार भड़क जाता है और कहता है लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? भला मैं इन पेड़ों के बारे में जानकर क्या करूंगा? पुत्र को यूं क्रोध में देख पिता कहते हैं कि शांत हो जाओ, तुम्हें सही तरह से बात समझाने के लिए मैं ये सब कह रहा हूं। ये सुन पुत्र कहता है कि लेकिन आप समझाना क्या चाहते हैं और क्यों? तब पिता कहता है कि जिस प्रकार ये पेड़ किसी भी आंधी तूफान बारिश या फिर बिजली के गिरने पर भी नहीं गिरा, लेकिन एक दिमक ने इसे कमजोर कर दिया और इतने वर्षों से खड़े इस पेड़ को आज गिरने के लिए मजबूर कर दिया, उसी प्रकार व्यक्ति के भीतर बैठी चिंता उसके पतन का, तबाही का कारण बन जाती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर रहे हो, उन्नति क्यों ना कर रहे हो, लेकिन यदि आपके भीतर किसी बात की चिंता है और वो बाहर नहीं जा रहा तो वो इस दीमक के समान आपको अंदर से कमजोर कर देगी और आपकी उन्नति वहीं रुक जाएगी। एक चिंता आपसे सब कुछ छीन लेगी, इसलिए स्वयं को कभी इतना तनाव में मत लाओ कि आप स्वयं के आगे ही कमजोर पड़ जाओ। पिता की ये सब बात सुन पुत्र कहता है लेकिन ये सब जानकर कोई थोड़ी करता है, परिस्थिति ऐसी हो जाती है। तब पिता आगे कहते हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चिंता करने से, तनाव में आने से क्या वो सही हो जाएगी? नहीं, चिंता करना, परेशान हो जाना किसी भी समस्या का हल बिल्कुल नहीं है। जब आपको कोई मार्ग ना दिखे तो कुछ समय के लिए शांत होकर एक जगह बैठ जाओ, खुद को समय दो और फिर सोचो कि किस तरह इस कठिन समय से निकला जा सकता है। कोई भी समस्या इतनी भी बड़ी नहीं होती कि उसका हल ना हो, हर समस्या अपने साथ हल लेकर आती है, तुम्हारी समस्या का भी होगा, बस जरूरत है तो कठिन समय में स्वयं को साहसी बनाने की। पिता की इस बात को सुन पुत्र को उनकी हर बात का सही अर्थ समझ आ जाता है कि वो उसे कहना क्या चाह रहे हैं। इस कहानी को पूरा करके महात्मा कहते हैं, क्या अब तुम समझे कि एक छोटी सी चिंता भी आपके जीवन को कितना प्रभावित करती है? ये सुन व्यक्ति कहता है कि जी मुनिवर। महात्मा आगे कहते हैं कि चिंता, दुख, तनाव सब हमें कमजोर करते हैं, हमें इन्हें स्वयं के जीवन से पूरी तरह त्याग देना चाहिए और जो ऐसा कर लेते हैं वो स्वयं जीवन में सदैव खुश रहते हैं। जीवन में परिस्थिति चाहे कोई भी हो, समय कभी एक सा नहीं होता, हमेशा बदलता है। बस अपने सुख के पल को स्मरण करके उसे दुख में साहस का हथियार बना लो। ये चिंता कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन यदि इस चिंता में आप घिर गए तो कभी भी उन्नति नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी व्यक्ति को
व्यर्थ की चिंता में नहीं आना चाहिए। जो वर्तमान में हो रहा है उस पर ध्यान दें, अपना काम करें, बाकी सब छोड़ दें और धैर्य रखें। ये समय भी कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। महात्मा की बात सुन व्यक्ति को उसके प्रश्न का सही उत्तर मिल जाता है और वो गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है। अतः चिंता व्यक्ति के जीवन की सभी खुशियां, सुख समृद्धि छीन लेती है। इसलिए व्यर्थ में इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं को चिंता मुक्त रखें, तभी आप जीवन में खुश रह सकते हैं। आशा करते हैं ये बात आप समझे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई। गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक भयंकर जंगली जानवर की तुलना में एक धोखेबाज और दुष्ट दोस्त से अधिक डरने योग्य है, क्योंकि जानवर केवल आपके शरीर को ही हानि पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी और धोखेबाज दोस्त आपकी बुद्धि को हानि पहुंचाता है। केवल एक बुरे दोस्त ही आपको उस स्थिति तक पहुंचा सकता है जहां आपको ऐसा लगता है कि ये दुनिया बहुत खराब है, यहां रहने का कोई फायदा क्या है। और यही होता है जब आपको धोखा मिलता है, आपको ठगा जाता है। और केवल व्यक्ति ही जो अंधे विश्वास करता है उसके साथ ठगी होती है। हम किसी को सीधे विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन समय के बाद यह विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के सामने अपनी आंखें, कान और मन बंद कर देते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में होता है कि हमारे सबसे विश्वास योग्य व्यक्ति हमें सबसे ज्यादा धोखा देता है। हम दुनिया में विश्वास खो देते हैं और हम सभी को संदेह के साथ देखना शुरू कर देते हैं। वास्तविकता में यह दुनिया धोखे पर चल रही है। हम किसी न किसी को धोखा देते हैं कहीं ना कहीं, या कभी ना कभी अपने जीवन में, और दूसरे लोग भी हमें धोखा देते हैं। दूसरों द्वारा धोखा देना समझना संभव है, लेकिन हमने वर्षों से खुद को ही धोखा दिया है। हम अपने आप को ऐसी बातों को मनाते हैं ताकि हमें सच्चाई का सामना ना करना पड़े, और हम अपने छोटे से दुनिया में खो जाते हैं। धोखा या विश्वासघात एक दो धारी तलवार की तरह होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन यह कपटी तलवार हमारे सामने खड़ा व्यक्ति का गला उतना ही काटती है जितना कि ये हमारे गले को भविष्य में काटती है। आज की बौद्ध गति से आप यह जानेंगे कि हम धोखे और विश्वासघात से खुद को कैसे सुरक्षित रखें, और इस वीडियो के अंत में हम 10 ऐसे संकेत के बारे में सीखेंगे जो एक ठग और झूठा में पाए जाते हैं। एक जवान लड़का बहुत क्रोधित हालत में था और वह बकर के जरिए स्वयं हत्या करने की सोच रहा था। जब वह पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा तो उसने चिल्लाया, ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहां सब इतने स्वार्थी क्यों है? क्या मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है? उसी पहाड़ी के शिखर पर एक बौद्ध सन्यासी ध्यान में लीन था। उस जवान लड़के की उच्च आवाज सुनकर उसने संचय के साथ उठ गया। उसे एकदम समझ में आया कि यह जवान लड़का यहां स्वयं हत्या करने आया है। जब वह जवान लड़का पहाड़ी से कूदने वाला था, तभी बौद्ध सन्यासी ने उसका हाथ पकड़ा और बौद्ध सन्यासी ने उसे पीछे खींचा और कहा, क्या हुआ? क्या आगे का रास्ता खत्म हो गया है? जवान लड़का ने कहा, कौन सा रास्ता? यहां कोई रास्ता नहीं है। मैं यहां से कूद कर स्वयं हत्या करने जा रहा हूं। बौद्ध सन्यासी ने कहा, हर किसी को एक ना एक दिन मरना होता है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? जवान लड़के ने कहा, क्योंकि यह दुनिया जीने के लायक नहीं है। यहां सभी स्वार्थी और धोखेबाज हैं। मैंने जिस पर भरोसा किया वो सभी ने मुझे धोखा दिया। मेरा अपना भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरा दोस्त मुझसे धोखा दिया, लेकिन आज यह सब बहुत ज्यादा हो गया है। मेरी पत्नी भी मुझसे धोखा दिया, उसने एक अमीर व्यापारी के साथ फरार हो गई। इतने धोखे मिलने के बाद अब मुझे इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं है। एक स्वार्थ दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं स्वयं हत्या करने जा रहा हूं। बौद्ध सन्यासी ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? व्यक्ति ने कहा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, किसी से विश्वासघात नहीं किया है। अगर चाहो तो मेरे गांव जाकर पूछ सकते हो। लोग मेरा फायदा उठाते रहते हैं, लेकिन अब तक मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। बौद्ध सन्यासी ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं होगा। तुम्हें मुझे यह साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति ने पूछा,
इसे साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सन्यासी ने उत्तर दिया, तुम्हें अगले एक साल तक मेरे आश्रम में मेरे साथ रहना होगा। फिर ये मुझे पता चलेगा कि तुम ईमानदार व्यक्ति हो या तुम भी दूसरों की तरह स्वार्थी और कपटी हो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपके आश्रम में एक साल तक रहकर खुद को साबित करूंगा। बौद्ध सन्यासी ने उस जवान लड़के को अपने साथ अपने आश्रम में ले गया और उसे अपना शिष्य बनाया। अगली सुबह बौद्ध सन्यासी ने उस नए शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे तुम पर अभी भी भरोसा नहीं है, लेकिन तुम जाओ और भिक्षा मांगो, तब तक मैं तुम्हारे अन्य गुरु भाइयों को सिखाऊंगा। नए शिष्य ने गुरु को नमस्कार किया और भिक्षा मांगने के लिए जाने चला गया। उसने आज तक भिक्षा नहीं मांगी थी, इसलिए उसे भिक्षा मांगने में बहुत परेशानी हो रही थी। भिक्षा के लिए उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे रोक रहा था, उसके अंदर उसका घमंड उठ रहा था। मास्टर को गलत साबित करने के लिए उसने भिक्षा मांगी और उस भिक्षा को लेकर वह गुरु के पास लौट आया। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा कि तुम कम से कम किसी हद तक भरोसेमंद हो। मैंने सोचा था कि तुम भिक्षा मांगने में सक्षम नहीं होगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया। मेरे साथ अपने गुंबद पर चलो। गुरु ने कहा, मुझे वहां तुम्हें कुछ दिखाना है। गुरु ने उस शिष्य को छतरी में ले गया। छतरी के ऊपर एक मटका लटक रहा था। गुरु ने मटके की ओर इशारा करके कहा, क्या तुम उस मटके को देख रहे हो? इसमें जहर है और यह जहर ऐसा भी है, अगर किसी को दिया जाए तो व्यक्ति बहुत ही आसानी से मर सकता है और कोई भी नहीं जानेगा कि वह कैसे मरा। जवान शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव आप मुझसे ये सब क्यों बता रहे हैं? सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें बस चेतावनी दे रहा हूं कि कभी ताजगी से इसे न खाना। कुछ दिनों बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक कुछ जंगली लुटेरे उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन अधिक उम्र के कारण गुरु भागने में सक्षम नहीं थे। इसे उस जवान शिष्य ने महसूस किया और उसने बहादुरी दिखाई और उसे उस लुटेरों से बचाकर उसे आश्रम ले आया। आश्रम पहुंचते ही गुरु ने सभी के सामने उस शिष्य की प्रशंसा की और कहा, मेरे नए शिष्य तुम सभी से बेहतर है, जिसने मेरी जान को जोखिमों से बचाई और मुझे यहां सुरक्षित लाया। आज के बाद मुझे उस पर विश्वास है। उस दिन के बाद हर सुबह जब भी गुरु उस शिष्य से मिलते, वह उससे एक बात कहते, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। धीरे धीरे गुरु का उस शिष्य पर विश्वास बढ़ता रहा और यह इतना बढ़ गया कि एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मेरी मृत्यु के बाद मैं चाहता हूं कि तुम इस आश्रम की जिम्मेदारी को अपने हाथों में लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव अगर यह आपकी इच्छा है तो मैं भी आपके सुख के लिए इस जिम्मेदारी को संभाल लूंगा। यह कहते ही शिष्य चला गया। कुछ दिनों बाद गुरु बीमार पड़ गए तो उसने आश्रम के सभी शिष्य को बुलाया और घोषणा की कि युवा शिष्य उसके बाद इस आश्रम को संचालित करेगा। दिन धीरे धीरे बीतते गए और वह युवा शिष्य की मन की बेचैनी बढ़ने लगी। उसे जितनी जल्दी हो सके आश्रम को कब्जा करना था। वह हर सुबह गुरु के पास जाता, उनकी सेहत पर कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं दिखने के लिए। लेकिन गुरु की सेहत दिन प्रतिदिन ठीक हो रही थी। अब उसकी सहन शक्ति का बांध टूट रहा था। उसकी रातें नींद हीन हो गई। वह हमेशा सोचता रहता था, मास्टर को कैसे रास्ते से हटाया जाए। और कोई भी न जाने, कभी कभी उसे यह ख्याल आता था कि मास्टर को नदी में धक्के मार दे, लेकिन अगले ही पल उसे यह अनुभव होता कि मास्टर एक अच्छा तैराक है, वह तैरकर निकल जाएंगे। कभी कभी उसे यह विचार आता था कि वह मास्टर को गले दबाकर मार देगा। सभी जानते हैं कि मैं मास्टर का विश्वास पात्र हूं, इसलिए किसी को भी मुझ पर संदेह नहीं होगा। लेकिन फिर वो सोचते हुए अपने आप से वो बात करता है कि यदि थोड़ी सी गड़बड़ी अगर हो गई तो हालात और बिगड़ सकती हैं। उसे कुछ ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे कि मास्टर तो मरे ही और सबको ये लगे कि यह एक पराकीर्तिक मौत हुई है और इसे ईश्वर ने स्वीकार किया है। एक दिन वह युवा शिष्य मास्टर के कुटिया में मास्टर के पास बैठा था, तभी उसकी नजर ऊपर लटकती हुई उस मटके पर पड़ी।
उसे याद आया कि मास्टर ने कहा था कि इसमें जहर है, और वह जहर ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति को दिया जाए तो व्यक्ति बहुत आसानी से मर सकता है और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वह कैसे मरा। उसने सोचा कि इस जहर को मास्टर को देना सही होगा और कोई भी नहीं जानेगा कि वो कैसे मरा। फिर उसके पास पूरे आश्रम पर काबू पाने की संभावना भी होगी। अगले दिन उसने गुप्त रूप से मास्टर के कुटिया से वो जहर चुराया और मास्टर के भोजन में मिला दिया। मास्टर ने वो रात का खाना खाया और सो गए, लेकिन सुबह होने पर पूरा आश्रम जाग उठा। लेकिन मास्टर नहीं उठे, शिष्य गुरु के कुटिया में गए और देखा कि मास्टर मर गए हैं। जब उस युवा शिष्य को ये जानकारी मिली तो उसके अंदर बहुत खुशी हो गई और वह आश्रम का नियंत्रण संभालने का कार्य शुरू कर दिया। आश्रम में एक पुराना शिष्य भी था, वह सब कुछ खामोशी से देख रहा था। वह अपने कुटिया में गया और वहां से एक दवा लेकर आया और मास्टर को दिया। कुछ ही समय में मास्टर की चेतना वापस आई और वह ठीक से उठकर बैठ गए। ऐसा देखकर उस युवा शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गए, वह बहुत घबराया हुआ था। गुरु ने बाकी शिष्यों को उनके कार्यों पर भेज दिया और युवा शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास योग्य हो? क्या तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? शिष्य गुरु की पांवों में गिर पड़ा और कहा, मुझे नहीं पता कि मैंने इस अपराध को कैसे किया है। मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है। लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, लेकिन नहीं जानता कि मैंने आज आप पर धोखा क्यों और कैसे किया। गुरु ने कहा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने कभी तुम पर विश्वास ही नहीं किया है। मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करता। मैं केवल उसी पर विश्वास करता हूं जो मैं अपनी आंखों से देखता हूं। और मैं तुम्हारे भीतर की लालसा देखना चाहता था और मैंने तुम्हें यह लालसा जानबूझ कर दी थी, क्योंकि किसी को धोखा देने के सिर्फ तीन ही कारण होते हैं, पहला स्वार्थ, दूसरा लालसा और तीसरा ईर्ष्या। वह युवा सन्यासी मास्टर से पूछा, लेकिन मास्टर, मैं अपने आप को अपना ये कैसे स्वार्थ, लोभ और ईर्ष्या से मुक्त रख सकता हूं? मास्टर ने कहा, खुद को पढ़े, खुद को जाने और खुद के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करो। इंसान में बहुत महान संभावनाएं होती हैं। वह खुद को कुछ भी बना सकता है, वह कुछ भी हो सकता है। और जब आपको मौका ना मिले तो अपने अंदर देखें और जानने की कोशिश करें कि आप क्यों बदल रहे हैं, कौन आपको बदल रहा है, क्या यह परिवर्तन अच्छा है या बुरा। आत्मनिरीक्षण करो। मास्टर के इन शब्दों को सुनकर शिष्य फिर से उनके पैरों में गिर गया और कहा, मास्टर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मैं क्यों बदलता हूं। मास्टर ने कहा, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग रह चुके हैं जो इसका उदाहरण है, जो कभी अपने स्वार्थ, लोभ और ईर्ष्या के कारण किसी को धोखा नहीं दिया है। वह किसी का विश्वासघात नहीं करते। एक व्यक्ति तभी किसी को धोखा देता है जब उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा है कि वह क्या कर रहा है, और भविष्य में कोई नहीं जानेगा कि वह जो कर रहा है सही है। पकड़े जाने के बाद वह अपनी सुरक्षा के लिए अधिकतर तर्क देता है कि मैं कुछ नहीं कर सका, यही आखिरी राह थी, मुझे मजबूर किया गया था। लेकिन यह धोखा देने के पीछे की सच्चाई है जो हर विश्वासघात के पीछे छुपी होती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति यह जानबूझकर करता है। मास्टर ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखें, हम किसी को धोखा देने पर हमें उसकी आंतरिक अभिज्ञान को चोट पहुंचाते हैं और वह इतनी बुरी तरह चोटित हो जाता है कि फिर वह किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। वह अंदर से बहुत ही दुखी और अकेला महसूस करने लगता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको धोखा ना दे, तो आप अपनी आंखें, कान और मन को खुले रखें। Sunscreen to protect and glow. Yes, queen. That's my glow plus dewy sunscreen. लोगों पर विश्वास करें, लेकिन इतना विश्वास मत करें
कि वे आपका फायदा उठाने लगे। हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण में रहे और कभी कभी खुद को जांचते रहे, क्योंकि जिस धोखे को आप टालना चाहते हैं, क्या आप किसी दूसरे के साथ वैसा ही धोखा कर रहे हैं? अगर कोई आपको फिर भी धोखा दे रहा है तो निराश ना हो, क्योंकि हर विश्वासघात किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। धोखा खाने के बाद एक व्यक्ति पहले के मुकाबले ज्यादा सतर्क और सावधान हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को बिगाड़ने की आदत ना डालें, बल्कि इसे एक सबक समझें और आगे बढ़े। मास्टर ने कहा, ये हैं धोखेबाज व्यक्ति के 10 निशानियां एक चालाक व्यक्ति के, जो आपको धोखा दे सकते हैं, आपके चाइन चुरा सकते हैं और आशा की गहरी समुद्र में डूबते हुए आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है। पहला चिन्ह, वह व्यक्ति जो झूठा होगा, वह धोखेबाज होगा, वह सब कुछ आपसे छुपाएगा। आप उसके बारे में दूसरे लोगों से जानेंगे और जब आप पूछेंगे, वह कहेगा कि उसे बताना भूल गया। उसके साथ बहुत समय बिताने के बावजूद आप उसके बारे में ज्यादा नहीं जान पाएंगे। वह आपके बारे में क्या सोचता है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, यह आपको हमेशा भ्रमित करेगा, क्योंकि वह सब कुछ आपसे छुपाएगा। क्योंकि वह सच्चा आदमी है ही नहीं। एक सच्चा आदमी को अपने बारे में बताने से कोई परेशानी नहीं होती, वह आपके साथ लगभग सब कुछ साझा करता है। लेकिन एक धोखेबाज बहुत सतर्कता से चलता है, इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जिनके साथ हम एक संबंध में हैं, जिनके साथ हम अपने जिंदगी का विश्वास और प्यार का सौदा करने जा रहे हैं, क्या वह हमारे साथ अपने जीवन की पूरी कहानी साझा करता है या नहीं? क्या वह बातें हमसे छुपाता है? अगर वह छुपाता है तो वह व्यक्ति एक बड़ा धोखेबाज है। दूसरा चिन्ह, वह व्यक्ति जो धोखेबाज हो या हमारे साथ सच्चा प्यार नहीं है, तो वह हमारी परवाह नहीं करेगा। हम उसकी परवाह कितनी भी करें, हम उसके लिए कुछ भी क्यों ना करें, लेकिन वो हमारी परवाह बिल्कुल भी नहीं करेगा। और यह एक बार ही नहीं दिखेगा, बार बार दिखेगा, लेकिन हम इसे नजरअंदाज करते हैं। ये हमारी गलती है, क्योंकि हमारे मोहित होने के कारण हम अपनी आंखों के सामने सच्चाई को नहीं देख पाते। ये हमारी गलती है। अगर हम थोड़ा सावधानी से ज्यादा देखने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि वह हमारी परवाह नहीं करता। तीसरा चिन्ह, एक धोखेबाज व्यक्ति भी बड़ा झूठा होता है। उसके शब्द उसके आपसी मेल नहीं खाते, उसकी जीभ बदलती रहती है, वह अपने वचनों को नहीं निभाता, लेकिन हम उसकी झूठे में फंस जाते हैं, इसलिए हम उसे पहचान नहीं पाते। चौथा चिन्ह, एक धोखेबाज व्यक्ति हमारे मुख पर प्रशंसा और सराहना हमारे सामने करेगा, लेकिन वह कभी भी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें सम्मान नहीं करेगा, चाहे हम उसके लिए मर जाएं। वह हमें कभी सराहना नहीं करेगा और हमें उतना महत्व नहीं देगा जितना कि हम अपनी जिंदगी में देते हैं, क्योंकि वह हमें एक दिन धोखा देगा। इसलिए यह बेहतर है कि हम सतर्क रहे, पहले ही बहुत धोखे खा चुके हैं। पांचवा चिन्ह, वह कहते क्या है, उस पर आपको ध्यान देने की वजह उनके कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। बात करना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत ही मुश्किल होता है, और अधिकांश लोग इन बातों पर फंस जाते हैं। इसलिए चाहे वह आपसे कितनी भी बातें करे, आपके साथ कितने वादे करे, जब तक वह उसे दिखाने का प्रदर्शन नहीं करता, तब तक उस पर विश्वास ना करें। छठा चिन्ह, यह अक्सर प्यार के संबंध में देखा जाता है कि यह धोखेबाज व्यक्ति उस व्यक्ति को कैसे पकड़ता है जो उससे प्यार करता है, जैसे कि उसके सामने हमेशा उपलब्ध होता है। वह कहीं नहीं जा रहा है, वह उसके लिए यहां रहेगा, उसे ना तो सम्मान करेगा और ना ही सम्मान देगा, और अगर सम्मान के लिए विनती की जाए तो वह उसे और अधिक अपमानित करेगा। यदि आपको संबंध में किसी से विनती करनी हो तो मुझसे समझो कि उसमें आपके लिए प्यार नहीं है। जो वास्तव में आपसे प्यार करता है, वह चाहेगा कि आपके साथ अधिकांश समय बिताए, जिससे आप समय के लिए विनती करें। समझो कि उसमें आपके लिए प्यार नहीं है। सातवां चिन्ह, वह हर चीज के लिए समय निकाल सकता है, लेकिन कभी भी आपके लिए समय नहीं निकालेगा। वह अपने जीवन में आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वह तभी आपसे बात करेगा जब उसे मन करेगा, ना कि जब आपको उनकी जरूरत होगी। वह आपको किसी और के साथ बदल सकता है, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं बदलेगा।
ना तो उनकी आदतें, ना ही उनका स्वभाव और ना ही उनकी सुविधा। आठवां चिन्ह, वह कभी भी आपको आपके प्रति समर्पित और आज्ञाकारी नहीं होगा, जैसा कि हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, चाहे जो भी हो हम समर्थन करेंगे, चाहे जैसा भी समय हो, वह सिर्फ अपनी शर्तों पर ही आपके साथ रहेगा। जब उसे आराम और अच्छा लगेगा तभी वह आपके साथ रहेगा, और अगर उसे थोड़ा भी चोट लगे तो वह चला जाएगा, क्योंकि वह कभी भी अपनी सुविधा के लिए, अपने सीमा के बाहर कुछ भी करने के लिए नहीं आएगा। नौवां चिन्ह, वह हमेशा आपको चोट पहुंचाएगा, कभी जानबूझकर और कभी बिना जाने कि वह आपको कितना चोट पहुंचा रहा है, और आपका हृदय लगातार दुखेगा। आप उस व्यक्ति के साथ खुश रहेंगे जो वास्तव में आपसे प्यार करता है। उसके साथ होने से आपको ऐसा लगेगा कि आप हवा में हल्के से उड़ रहे हैं, और अगर आप एक धोखेबाज और गलत व्यक्ति के साथ संबंध में हैं, तो सब कुछ भारी और असावधान लगेगा। ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, अंदर से एक आवाज आएगी कि यह संबंध आपके लिए सही नहीं है, और यदि इसे सुनने के बावजूद आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो यह आपकी गलती होगी। दसवां चिन्ह, आपके जीवन में वे कहीं नहीं है, आपके जीवन में उनकी कोई विशेष जगह नहीं है। जब चाहे वे आसानी से आपके जीवन से आपको निकाल सकते हैं और उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप यह नहीं मानते और उनकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो आप अपनी जीवन से कुछ दिनों के लिए गायब हो जाइए, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वे खुश रहेंगे। अच्छा है कि समस्या हमारे जीवन से चली गई है, अब हम आजाद हैं और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। यदि आप भी अगर ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध में हैं, तो आप अपने बुद्धि को संयम में लाइए और जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर निकले। मुझे विश्वास करें, ऐसे संबंध से बाहर आने के बाद आपको सुख, शांति और प्यार मिलेगा। और क्या दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है? यदि आप एक खराब व्यक्ति को छोड़ देते हैं, तो 10 अच्छे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको सम्मान और प्यार देंगे। और जब तक आप इस तरह के झूठे व्यक्ति के साथ हैं, तब तक आप अपने अच्छे लोगों को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप ऐसे धोखेबाज व्यक्ति को छोड़ देंगे, अच्छे लोग आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। और एक और बात, आजकल वे लोग जिनके साथ प्यार में धोखा हुआ है, वे कहते हैं कि प्यार कुछ नहीं है, सब कुछ झूठ है। आजकल सब कुछ झूठा है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, उससे प्यार के अर्थ की जानकारी नहीं थी। लेकिन आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्यार को कैसे करना है जानते हैं, और उसे बरकरार रखने की भी जानते हैं। धोखा खाए लोग अपनी ओर से सच्चा प्यार करता है। प्यार ईश्वर की उपहार है, और यह दुनिया प्यार पर आधारित है। अगर एक गलत व्यक्ति ने आपका प्यार समझ नहीं पाया, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इस दुनिया में प्यार नहीं है। यह दुनिया प्यार पर ही आधारित है। यह प्रसिद्ध नृत्य दुनिया सिर्फ प्यार करने वालों के कारण है। और अंत में एक और बात, यदि आप अपने परिवार के सदस्यों से धोखा खा चुके हैं या आपस में गलत फहमी हो गई है, तो एक दूसरे के बात समझने का प्रयास करें, एक दूसरे को जानें और एक दूसरे को माफ करें। क्योंकि दोस्तों, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन आपके परिवार के सदस्यों की तरह किसी और जगह पूरे विश्व में नहीं मिलेंगे। हाँ, उनका दृष्टिकोण थोड़ा अलग होता है, वे थोड़े दूर के होते हैं। आपके परिवार के बाहर, जैसे कि आपके दोस्त, दूर के रिश्तेदार या पड़ोसी, लेकिन परिवार के सदस्यों को माफ कर देना बुद्धिमान होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय।